गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती पर कितने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लानेट? अगर आप जितने भी तरह के जीव जंतु का नाम जानते हैं, कॉपी और कलम उठाइए और उसका नाम लिखिए। सोच कर नाम लिखिए, कितने तरह के लाइफ फॉर्म्स के बारे में आप जानते हैं, उसका नाम जानते हैं। शायद बहुत कम जीव जंतु का नाम आप लिख पाएंगे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस धरती पर नोन वैरायटी 1.7 to 1.8 million life forms are present on this planet. These are the known number of varieties, life forms. Unknown कितना है इसके बारे में अभी तक पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि इस धरती पर, इस प्लानट पर 8 to 10 million life forms are present. क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और हम लोगों को हर जीवों के बारे में जानकारी रखनी है, उसके बारे में पढ़ना है। तो क्या 1.7 million और 1.8 million लाइफ फॉर्म्स को पढ़ पाना इतना आसान है? हम समझते हैं इतना आसान नहीं है। इट नॉट ईजी टू स्टडी ऑल द लाइफ फॉर्म्स। तो इसके लिए करना क्या, पढ़ना भी है और इसके लिए करना क्या, तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसलिए आज का हमारा जो सब टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आवर सब टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक्चुअली व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है? एक्चुअली क्लासिफिकेशन इज अ आर्ट classify the organism, divide the organism into different groups as per our need. Here the definition is also given. Biological classification is a scientific arrangement of organism in a series of categories on the basis of similarities and differences in their character, so as to bring out their relationship. This is the definition of biological classification. Once again, biological classification is the scientific arrangement of organism in a series of categories on the basis of similarities and differences in their character, so as to bring out their relationship. तो इस तरह से हम लोग किसी जीवों को क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसकी नीड, जैसे हमने पहले बात करी क्लासिफिकेशन का नीड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम लोग क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट मेक्स आवर स्टडी इजी। हियर इन द लिस्ट आई हैव गिवन द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, वी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन। प्रत्येक जीवों को पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। दूसरा है इट मेक्स आवर स्टडी इजी, हमारे स्टडी को इजी करते हैं। हम किसी चीज़ को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्लासिफिकेशन हमको मदद करता है, आसान हो जाता है, हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर किसी दवा की दुकान में आप जाते हैं, दवा की दुकान में कई सारी दवाइयाँ हैं, कई तरह के दवाइयाँ होती है, अगर वो बेतरतीब ढंग से क्लासिफाई तरीके से नहीं, अरेंज करके नहीं रखा हुआ रहे, तो दुकानदार को बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर दवा को निकाल कर दुकान ग्राहक को देना। लेकिन उसी को अरेंज करके वो रख देता है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर ग्रुप में रख देता है, तो उस दवा को निकाल कर देने में उसे आसानी होती है। सेम चीज़, अगर हम चीज़ों को अरेंज करके रखेंगे तो आसानी से हम उसको यूज कर सकेंगे। यही चीज़ यहाँ पर भी है,
इतने सारे लाइफ फॉर्म्स की बात जो हमने किया 1.7 टू 1.8 मिलियन लाइफ फॉर्म जो नोन वैरायटी है उसको अगर हम अरेंज करके नहीं रखेंगे, क्लासिफाई करके नहीं रखेंगे तो हम हमारे पूरा जीवन लगा देंगे फिर भी हम उस पूरे को पढ़ नहीं पाएंगे। इट मेक्स आवर स्टडीज मोर। नाउ थर्ड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवे। क्लासिफिकेशन हमें बताता है कि कौन सा जीव इस धरती पर किस क्रम में आया, उसका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से वो डेवलप हुआ, उसका इवोल्यूशनरी पाथवे क्या है, उसके बारे में जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट जो है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स रिक्वायर प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ फॉसिल्स रिक्वायर्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, क्लासिफिकेशन ही उसको प्रोवाइड करता है जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। तो दीज आर द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ अब हम क्लासिफाई करते क्या है, यानी कि ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, जिस ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जिस ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एक्चुअली टैक्सोनॉमी क्या है, यहाँ पर टैक्सोनॉमी इज अ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी इज द साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये आइडेंटिफिकेशन भी करता है, उसका नोमेनक्लेचर भी करता है और क्लासिफिकेशन भी करता है। तो अब है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यहाँ पर जो लिस्ट दिया हुआ है वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। सबसे हायर कैटेगरीज है किंगडम। फर्स्ट कैटेगरी जो है ये अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे हायर कैटेगरीज है किंगडम। जीवों को सबसे पहले उसको किंगडम में बांटा गया, उसके बाद किंगडम को बांटा गया फाइलम में। फाइलम इज फर्दर डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेज, क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इन टू ऑर्डर, ऑर्डर इज फर्दर डिवाइडेड इन टू फैमिली, फैमिली इज फर्दर डिवाइडेड इन टू जीनस एंड जीनस इज फर्दर डिवाइडेड इन टू स्पेस। टू स्पेस इज द लोएस्ट मोस्ट लोअर मोस्ट यूनिट ऑफ ए टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, लोअर मोस्ट यूनिट। तो ये हो गया ऊपर से नीचे के, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। तो हम लोग बात अब करेंगे एक एक करके प्रत्येक का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेसिस का, इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी में इंक्रीजिंग, जैसा कि हम आज ऑलरेडी बता चुके हैं स्पेसिस इज द लोएस्ट बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। और इसमें एक ही तरह के जीव इसमें आते हैं जो कि आपस में ब्रीड कर सकते हैं, दे कैन इंटरब्रीड टुगेदर, दे हैव ऑलमोस्ट ऑल सिमिलरिटीज, देयर कैरेक्टर्स आर वेरी मच रिजेंबल टू ईच अदर। वो आपस में, सबसे बड़ा कैरेक्टर इसमें क्या है, वो इंटरब्रीड कर सकता है, दे कैन ब्रीड टुगेदर, दे कैन इंटरब्रीड टुगेदर। उसके बाद जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है पैंथरा लियो, ये लियो इज द स्पेसिस ऑफ लायन। नाउ सेकेंड कैरेक्टर इन सेकेंड कैटेगरी इज जीनस, इट इज द फर्स्ट हायर कैटेगरी अबव द लेवल ऑफ स्पेसिस। स्पेसिस के बाद का जो हायर कैटेगरी है, यानी इट इंक्लूड्स वन और मोर स्पेसिस, जीनस इंक्लूड्स वन और मोर स्पेसिस विद कॉमन कैरेक्टर्स, दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स। कई स्पेसिस इसमें आते हैं, एक या एक से अधिक विद सम कॉमन कैरेक्टर्स। तो इसमें जीनस आ गया। नेक्स्ट इज फैमिली, फैमिली इंक्लूड्स वन और मोर जीनस, इसमें विद दे हैव सम कॉमन कैरेक्टर्स, मीन्स कॉमन कैरेक्टर के साथ कुछ इसमें आते हैं। ऑर्डर दे इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड फैमिलीज विद कॉमन कैरेक्टर्स, क्लास दे ऑल्सो इंक्लूड्स
one or more related orders. Phylum, they include one or more related classes with common characters. Kingdom, they include one or more related phylum. So इस तरह से किंगडम इज द हाइएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जीवों को इसमें बांटा गया. और इस तरह मुझे आशा है कि इस ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा. अगले क्लास में हम फिर इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.